अगर आप एक्सेल का रेगुलर यूजर है तो कभी ना कभी इस तरीके का कोई शीट आपने जरूर फेस किया होगा। ठीक है, अब एक्सेल क्लास वन में देखिए हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, अगर हम काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि इन 6 स्टूडेंट जो कि क्लास वन में है यहाँ पर क्लास वन लिख के आ जाए, मतलब क्लास वन के नीचे जो ब्लैंक कॉलम है वहां पर क्लास वन लिख के आ जाए। ठीक है, उसी तरह क्लास टू के नीचे क्लास टू, क्लास थ्री के नीचे क्लास थ्री और क्लास फोर के नीचे क्लास फोर। मैंने फोर तक ही बनाया है, मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए फोर तक बनाया। ठीक है, अब इसका एक तरीका तो ये है कि मैं एक एक को भैया कॉपी कर लूँ यहाँ से, मतलब क्लास वन को कॉपी करूँ उसके बाद नीचे पेस्ट कर दूँ या ड्रैग कर दूँ। ठीक है, फिर क्लास टू को करूँ, फिर इसी तरह क्लास थ्री को करूँ। ठीक है, लेकिन अब जरा इमेजिन करिए अगर आपके पास ये डेटा बहुत लंबा है, यानी कि 1000-2000 का डेटा है और आपको करना है तो सोचिए कितना टाइम जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा शॉर्टकट है, मैं आपको बताता हूँ, जो बहुत ही आसानी से ये काम कर देगा आपका। ठीक है, तो उसके लिए करना आपको क्या होगा, सिंपली पहले वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए नीचे तक। ठीक है, मैंने ये नीचे वाले कॉलम को यहां तक सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये देखिए राइट हैंड साइड में फाइन एंड सेलेक्ट का ऑप्शन है, यहां पे गए और यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है गो टू स्पेशल, इस पर क्लिक कर दीजिए, देखिए एक बॉक्स ओपन होकर आ गया। अब इसमें से हमें ब्लैंक सेलेक्ट करना है। ठीक है, और ब्लैंक सेलेक्ट करके यहां पर ओके पे क्लिक कर देना। तो जैसे ही आपने ब्लैंक सेलेक्ट किया, देखिए यहां पर जो खाली जगह थी वहां का थोड़ा सा रंग चेंज हो गया। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, पहले वाले में इक्वल टू टाइप करना है, उसके बाद पहला कॉलम जिसको आप नीचे कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं क्लास वन सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, उसके बाद आप कुछ नहीं करना, कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस कर देना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कंट्रोल के साथ इंटर। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए, ठीक है, क्लास वन के नीचे क्लास वन लिख के आ गया, क्लास टू के नीचे क्लास टू लिख के आ गया, क्लास थ्री के नीचे क्लास थ्री लिख के आ गया, क्लास फोर के नीचे क्लास फोर लिख के आ गया।